वेलकम बैक टू माई चैनल पीछे पिंग में अनुश्री। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पे, हैक्स वीडियो लेके आई हूँ। बट ये कुछ अलग हैक्स होने वाले हैं, मेकअप से रिलेटेड, स्किन, हेयर, क्लोथ्स, फुटवेयर ऐसी कुछ नहीं होने वाली है। ये एक अलग वीडियो होने वाली है। मैं लेके आई हूँ यहाँ पे आज आप सबके लिए स्पेशली शॉपिंग हैक्स, स्ट्रीट शॉपिंग हैक्स जो हमारे हैं, आज मैं वो लेके आई हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी कुछ नए हैक्स का पता चले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं करने वाली हूँ शॉपिंग हैक्स। जब हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं तो एक स्ट्रीट शॉपिंग भी होती है जो अक्सर लोगों को करनी बहुत पसंद होती है। एक तो होती है भाई, आप किसी शोरूम पे चले गए, आप मॉल में चले गए, तो आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है, वहाँ पे सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो आपको वहाँ सब कुछ मिल जाता है। बट जो स्ट्रीट शॉपिंग होती है ना, उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम स्ट्रीट शॉपिंग करते हैं, आप ले लीजिए सरोजनी नगर, ले लीजिए दिल्ली का, ऐसे करके बहुत सारे मार्केट हर सिटी में आपको मिलेंगे। तो वहाँ जाने के लिए कुछ हैक्स लेके आई हूँ मैं। अगर आप लोगों को स्ट्रीट शॉपिंग पसंद है या आप स्ट्रीट शॉपिंग लवर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में किसी को स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेक श्योर इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लोगों को स्ट्रीट शॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना, तो हमें कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम उन हैक्स को याद रखेंगे या ध्यान में रखेंगे, तो वो शॉपिंग करने में मज़ा तो डेफिनेटली आएगा। बट जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमें वहाँ जाने के बाद या उससे पहले, वो हमारी सब सॉल्व हो जाएंगी, तो और ज़्यादा ही मज़ा आएगा स्ट्रीट शॉपिंग करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हैक यहाँ पे होने वाला है हमारा, भी आप स्ट्रीट शॉपिंग पे जाएं तो आप लोग देखते हैं स्ट्रीट शॉपिंग में ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब काफ़ी दूर तक आपको पैदल घूमना होता है। आप किसी भी फोर व्हीलर पर, टू व्हीलर पर नहीं वहाँ जा सकते, तो आपको वहाँ पैदल चलना है। पैदल चलने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले वियर करिए कंफर्टेबल फुटवेयर। आपको हील्स वेयर नहीं करनी है, ठीक है? अगर आप हील्स वेयर करेंगे तो आप ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे और आपको फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दर्द हो सकता है, या आपको लगे कि मैं बीच में ही अब ज़्यादा नहीं चल पा रही हूँ और आप हो सकता है मार्केट से वापस लौट जाएँ। तो इससे बेटर है आप लोग क्या करिए, फ्लैट्स वेयर करिए, जूतीज़ पहन लीजिए, फ्लैट स्लीपर पहन लीजिए, स्पोर्ट्स शूज़ पहन लीजिए, कुछ भी इस तरीके का। तो डेफ़िनेटली ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब चलते हैं अपने सेकंड हैक की तरफ। सो द सेकंड हैक इज़, हमें क्या करना है, अब समर सीज़न आपको पता है सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो हमें क्या करना है, अपने साथ हमेशा कैरी करनी है एक वाटर बॉटल, क्योंकि हमें डिहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होना इस समर सीज़न में। अगर हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है हमें डॉक्टर के पास विजिट करना पड़े। तो उससे बेटर है, उससे बचने के लिए आप लोग क्या करिए, एक ठंडे पानी की बॉटल कैरी करिए अपने साथ, और हमेशा अपने साथ कैरी करिए यहाँ पे वाटर बॉटल। तो इस चीज़ का मेक श्योर आपको ध्यान रखना है। एंड अब आ जाता है हमारा थर्ड हैक। तो सो द थर्ड हैक इज़ ऑल अबाउट, हमें वेयर करने हैं कॉटन क्लोथ्स। हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं सबसे पहले, उसके बाद हमें पहनने हैं कॉटन या हौजरी के। इसके अलावा कोई क्रेप या कुछ भी शिफॉन वगैरह इस तरीके का कपड़ा मत पहनिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में इन कपड़ों को पहन के जाएंगे ना, तो आप वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद आप फिर स्ट्रीट शॉपिंग अपने बीच में स्टॉप करके और घर लौट जाएं। तो इससे बेटर है कॉटन क्लोथ्स वेयर करिए या करिए हौजरी के, या फिर कंफर्टेबल जो भी आपको कपड़ा सूट करता है, जिसमें आपको एकदम ऐसा लगता है ब्रीथिंग हो रही है हमारी बॉडी की और हमें हेजिटेशन नहीं हो रही है या हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है जिन कपड़ों को पहनने से। हमेशा ऐसे कपड़े वेयर करिए जब भी आप स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाएं, तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, और लगेगी भी तो आप उसको, मतलब उस गर्मी को आप बर्दाश्त कर पाएंगे। तो है ना बढ़िया हैक, मेक श्योर लाइक करिएगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फोर्थ हैक पे। तो फोर्थ वन इज़, हमें हमेशा अपने साथ कैरी करना है यहाँ पे चेंज, क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग में ना महंगी चीज़ें नहीं होती है, सस्ती चीज़ें होती है, 100 की, 200 की, 150 की, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो हम कैरी करना है चेंज, जैसे 100 के लीजिए आप, 50 के लीजिए, 20 के लीजिए, इस तरीके का। आपको बड़े बड़े नोट्स कैरी नहीं करने, आप 2000 का नोट ले गए, 500 का नोट ले गए, कभी कभी चेंजेस नहीं मिलते हैं, उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्ट्रीट शॉपिंग करने में।
मेक श्योर इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा लगा है तो मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पे। सो द फिफ्थ वन इज हमारा है हम लोगों को क्या करना है। देखिए हम लोग निकलेंगे, ऑब्वियसली हम टू व्हीलर फोर व्हीलर में नहीं जाएंगे स्ट्रीट शॉपिंग के लिए। सभी लोग ऑटो रिक्शा इस तरीके के अदर व्हीकल से जाते हैं, टैक्सी हो गई, बस हो गया, कुछ भी है कन्वीनियंट, जो भी व्हीकल आपको पसंद है या जो भी ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हैं वो। तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, हमें अपना फेस और हेयर को कवर करना है। ठीक है, जब आप घर से निकलें जब भी अपना फेस एंड हेयर कवर कर लें, कॉटन का कोई दुपट्टा लीजिए आपके पास होगा, नहीं तो आजकल स्पेशली फेस के लिए मिलते हैं मार्केट में, आप वो लीजिए, अच्छे से अपना फेस एंड पूरी मतलब हैंड्स वगैरह को कवर करिए, जिससे कि सन से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि रास्ते में ही अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगने लगेगी तो फिर आप शॉपिंग कैसे करेंगे, फिर आप शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने फेस एंड नेक को अच्छे से कवर करना है विद दुपट्टा, कॉटन क्लोथ, और कॉटन ही होना चाहिए, कोई और कपड़ा नहीं होना चाहिए, वरना आप ना फिर उसमें ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो आपको कॉटन ही लेना पड़ेगा। अब मूव ऑन करते हैं सिक्स्थ पे। सो द सिक्स्थ वन इज़ हम आपको पता है समर सीज़न है, विंटर सीज़न भी है अगर तो भी सनस्क्रीन आपको कैरी करना। सनस्क्रीन क्यों कैरी करना, अब आप घर से निकले हैं, जाहिर सी बात है स्ट्रीट शॉपिंग में 5 से 6 घंटे आराम से निकल जाते हैं, घूमते हुए टाइम ही नहीं पता चलता, तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा अपना सनस्क्रीन। तो आप क्या कर सकते हैं, स्प्रे वाले जो आजकल सनस्क्रीन आते हैं ना वो ले लीजिए। एंड आपको ऐसा भी नहीं है कि वो वाइट कास्ट देंगे, आप कहाँ लगाएंगे क्या करेंगे, आपको बस जस्ट उसको फेस पे स्प्रे कर लेना है, दैट्स इट। अब मूव ऑन करते हैं सेवन्थ पे। तो सेवन्थ है कि मेरे पास यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़ा बैग कैरी करना है, जैसे टोट बैग्स आते हैं ना उसमें के बड़े बैग्स भी आते हैं, मतलब आपको वो नहीं लेना जिसमें हम ट्रैवल वगैरह करते हैं, वैसा नहीं लेना, टोट बैग लेना है बड़े साइज़ का, जिससे कि आप इजीली मार्केट में शॉपिंग कर सकें और एक एक सामान अपना उसके अंदर रख सकें और कुछ भी सामान आपका कहीं रह ना जाए। क्योंकि जब बहुत सारे बैग्स हो जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ रस्ते में छूट ही जाता है, किसी शॉप पे छूट जाता है, तो उससे बचने के लिए आप एक बड़ा बैग कैरी करिए एंड उसके अंदर सभी चीज़ें रख लीजिए अपनी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा वो, नहीं तो फिर आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ेगा, फालतू पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया आप घर से ले जाइए, सबसे हमारा पास में रखिए एंड यू आर गुड टू गो। मूव ऑन करते हैं एट्थ हैक पे। सो द एट्थ वन इज़ हमें क्या करना है, ऑब्वियसली हम गर्ल्स होते हैं, विमेंस होते हैं, हम लोगों को ना मेकअप करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आप स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जाएँ तो मिनिमल मेकअप करें या न्यूड मेकअप करें, जो बिल्कुल दिखे ना, क्योंकि स्वेटिंग तो आपको डेफिनेटली होगी, समर सीज़न है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो आपको क्या करना है, मिनिमल मेकअप करना है। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप मेकअप ही मत करिए, लेकिन अगर आपको फिर भी है कि भाई नहीं मुझे तो मेकअप के बिना मैं तो घर से निकलती ही नहीं हूँ, तो आप बिल्कुल मिनिमल करिए, आप कोई बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाइए एंड उसको पाउडर से सेट करिए एंड काजल लगाइए, मस्कारा लगाइए, लिपस्टिक लगाइए एंड दैट्स इट, और फिक्सर से उसको अच्छे से सेट कर लीजिए। और अगर आप बिना मेकअप के जाएंगे तो और भी बेटर है, आपको स्वेटिंग भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लिपस्टिक लगा सकते हैं, आप मस्कारा लाइनर लगा सकते हैं, काजल लगा सकते हैं, और आप अपना जो स्किन है उसको बेयर रखिए ऐसे, उस पर कुछ मत लगाइए, वो भी चलेगा, या फिर आप काली सनस्क्रीन से भी कर सकते हैं, आजकल सनस्क्रीन भी टिंटेड आने लगी हैं, वो लगाइए, फाउंडेशन का काम तो वो नहीं करती हैं बट आपके स्किन को ना फ्लॉलेस थोड़ा सा बेटर बना देती हैं, तो आप वो लगा सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी बिना मेकअप के जाइएगा तो वो आपकी शॉपिंग और बेहतरीन हो जाएगी। एंड नाइन्थ पे, सो द नाइन्थ हैक इज़ हमारा है, जैसे हम लेडीज़ के बाल, मतलब वुमेंस के बाल ज़्यादातर हमारे हेयर लॉन्ग होते हैं, ज़्यादातर सभी के, शॉर्ट तो बाई चांस होते हैं किसी के, तो हमें क्या करना है, या तो आप पोनीटेल बना लीजिए। देखिए खोल के जाएंगे तो आप गर्मी में बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, बालों को खोल के जाना मतलब इट्स लाइक इम्पॉसिबल, और आप खोल के भी जाएंगे ना तो आप थोड़ी देर में खुद ही बांध लेंगे, वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, तो आपको क्या करना है, या तो आप जूड़ा बना लीजिए, बन बना लीजिए एक, या फिर आप हेयर का टाई, हेयर को अपने टाई कर लीजिए, मतलब एक पोनी बना लीजिए, तो फिर भी आपको अगर आप बाल खोलेंगे उससे थोड़ी कम गर्मी लगेगी, और अगर आप जूड़ा बना लेंगे या बन बना लेंगे वो तो सबसे बेस्ट है समर सीज़न के लिए, तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी मार्केट में। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। तो सर नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ हम लोगों का क्या होता है, देखिए ब्रांड्स के कपड़े और स्ट्रीट के कपड़ों में डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं आप, साइजेस का डिफरेंस होता है, कोई ब्रांड का कपड़ा आपको आता है, कोई नॉन ब्रांड का है अगर वो लोकल मार्केट से है तो वो नहीं आएगा, ये हो सकता है लोकल मार्केट वाला आ जाए और नॉन ब्रांड वाला ना आए, जैसे हमारे साइजेस होते हैं एम एस एल एक्स्ट्रा लार्ज डबल एक्सएल, तो इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने साथ
आप जो भी शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं, मान लीजिए आपको जीन्स लेने हैं, मान लीजिए आपको टॉप लेना है, आपको कुर्ती लेनी है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आप हमेशा अपने साथ एक ओल्ड वन कैरी करें। मान लीजिए आपको टॉप लेने हैं तो अपना एक पुराना टॉप, या अगर आपको जीन्स भी लेनी है, आपको मान लीजिए 3-4 आइटम लेने हैं तो सबका अपना ओल्ड वन कैरी करिए, जिससे कि आपको साइज़ का अंदाज़ा लग सके। जाहिर है उनका कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, अपने साथ ओल्ड वन चीज़ कैरी करनी है, जिससे कि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकें कि वो चीज़ आपके आएगी, आपको फिट होगी या नहीं होगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रीट शॉपिंग में कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इतनी दूर कौन जाएगा किसी भी एक दो चीज़ों को चेंज करने। सबसे बेस्ट अपने साथ ओल्ड चीज़ कैरी करिए एंड वहाँ पे जाके साइज़ चेक करिए एंड अपना साइज़ का ले लीजिए, जो भी आपको फिट लगे कि ये मेरे साइज़ में आ रहा है। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये शॉपिंग हैक्स मेरे पसंद आते हैं, तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।